नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के कंस्ट्रक्शन के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज देते रहेंगे। तो आज हम ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन के कुछ मुख्य जो टर्मिनोलॉजी है, जो मुख्य जो वर्क हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका सर्वे करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ इसके टर्म्स बताएंगे, कुछ मुख्य खुद बताएंगे, बाकी एक एक टर्म्स को, एक एक हेडलाइन को हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्वे करना रहता है, उसके बाद दोस्तों जब सर्वे अप्रूव्ड हो जाता है, सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि हमको लाइन कहाँ बनानी है, कितने टावर बनाने हैं, तब उसमें मेन काम होता है दोस्तों फाउंडेशन का, टावर फाउंडेशन। टावर फाउंडेशन के लिए जिस भी क्लाइंट का हम लोग काम कर रहे हैं उससे अप्रूव ड्राइंग मिलता है, उस ड्राइंग के हिसाब से टावर फाउंडेशन का काम पूरा किया जाता है। कैसे किया जाता है वी विल डिस्कस लेटर। दोस्तों टावर फाउंडेशन होने के बाद जब फाउंडेशन का स्ट्रेंथ जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है, उसके बाद उसमें शुरू होता है टावर इरेक्शन का वर्क। टावर इरेक्शन में जो भी स्ट्रक्चर रहता है ऑलरेडी डिसाइड रहता है क्लाइंट के थ्रू। नॉर्मली गैल्वनाइज्ड टावर पार्ट्स यूज होते हैं, उन टावर पार्ट्स को हम एज पर ड्राइंग के हिसाब से नट बोल्ट के थ्रू टाइट करके प्रॉपर टावर खड़ा करते हैं। इस प्रक्रिया को टावर इरेक्शन कहते हैं। इरेक्शन के बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो टर्म है, जो वर्क है, स्ट्रिंगिंग। दोस्तों फाउंडेशन और इरेक्शन के बाद जो तार खिंचाई का काम होता है टावरों पर, उस काम को स्ट्रिंगिंग वर्क कहा जाता है। जो भी उसके नॉर्म्स हैं, जो भी इंसुलेटर और उसका सीरीज रहता है, सारा कुछ लगाना और जो वायरिंग का काम रहता है बेसिकली, उसको हम लोग स्ट्रिंगिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही मेन चार पार्ट्स में आप ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब भी चलते हैं, जो पहला टर्म हमारा है सर्वे। सर्वे को जानते हैं दोस्तों, सर्वे ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपने कई जगह, अगर आप फील्ड से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, तब भी आपने इस तरह के ट्राइपोड, जो पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पर, ट्राइपोड पर ऊपर एक मशीन रखा है, जो जानने वाले लोग हमको पता होगा कि एक TS है, थर्मोलाइट है, बाकी जो नहीं है तो उनको एक मशीन समझना चाहिए। और ऐसे दो या तीन लोग आपको इस तरीके से फील्ड में काम करते हुए देखते हैं, बेसिकली लोग सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का ज़रूरत क्यों है, बेसिकली किसी लाइन को बनाने के लिए हमको मिनिमम कॉस्ट एस्टिमेशन, कम से कम कितने टावर में हमारी लाइन बन जाए, जो भी क्लियरेंस हैं वो हमारे सारे पूरे हों, ROW क्रॉसिंग ये सब कम हो, इसी चीज़ को हम लोग सर्वे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्वे में जो मेन चीज़ आती है, मुख्य जो टर्मिनोलॉजी होती है, सबसे पहला जो काम होता है सर्वे का होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पॉसिबल रूट। किस रूट पर लाइन बनाएं, ये हम लोग आगे आपको डिटेल में बताएंगे किस रूट का सिलेक्शन किस प्रकार किया जाता है। सर्वे का एक काम यही है कि रूट डिसाइड करना। सर्वे ने रूट डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम लोग एक टर्म आता है डिटेल सर्वे।
रूट डिसाइड हो गया, फिर सर्वेयर साइट पे जा करके, साइट पर चल करके पूरा लाइन को सर्वे करता है, देखता है उसमें जो भी उसके ऑब्जर्वेशंस हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेवल क्या है ज़मीन का, बीच में कुछ किसी का घर मकान फॉरेस्ट एरिया जो भी है, सारी डिटेल उसमें आ जाती है, इसे डिटेल सर्वे कहते हैं। डिटेल सर्वे होने के बाद हम लोगों का प्रोफाइल और टावर फोटो वगैरह रहता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सब रेडी रहता है। उसके बाद हम लोग वर्क शुरू कर देते हैं लोकेशन पे, जैसे बोलते हैं चेक सर्वे। मान के चलिए कोई लाइन है 20 किलोमीटर लंबी लाइन है, उस पर हमने सारा डिटेल कर लिया, हमको लाइन कहाँ कहाँ से निकालनी है, 50-60 जो भी टावर हुए, अब उसमें कहीं से काम शुरू करना है तो उन्हीं में से किसी एक लोकेशन को देख करके प्रॉपर उसका बाइसेक्शन करके मार्किंग वगैरह करके काम को शुरू करते हैं। तो ये सर्वे के मुख्य 3 टर्म हैं जिनको हमको समझना जरूरी रहता है। तो हम लोग इसमें पहला जो देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रूट को सिलेक्ट कैसे करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि हम लोग रूट सेलेक्ट करने का मतलब क्या है और हम लोग बेस्ट रूट सिलेक्शन करते क्यों हैं। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये जो बॉक्स है आपका जहाँ पे मेरा कर्सर अभी जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया है मैंने और ये दूर एक एंडिंग पॉइंट है। मान के चलिए किसी भी क्लाइंट को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो जो दोनों पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, सीधे सीधे हमने कुछ नहीं देखा इसमें कि इसके बीच में घर है क्या नहीं है, हमें नहीं पता क्या है। जो मिनिमम डिस्टेंस रहती है उसे हम लोग कहते हैं बी लाइन, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो रूट डिसाइड करेगा, जो भी सर्वेयर जाएगा साइट पर, वो इसी बी लाइन के नियरेस्ट या आसपास से देखेगा कि मेरा सबसे सुटेबल कॉस्ट के हिसाब से, ROW के हिसाब से, सभी अदर एक्सपेक्ट जो भी हैं हमारे, सभी को देखते हुए मुझे कौन सा रूट सेट करना है। अब सर्वेयर को पता है कि मुझे लाइन को शुरू करना है यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो अब उसने शुरू किया रूट चलना। मान के चलिए सर्वेयर पहले इधर से होकर के निकल रहा है, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद वो क्या देख रहा है कि आगे तो एक रोड बना हुआ है, हो सकता है रोड क्रॉस किया, आगे गया और आगे गया तो देखा क्या एक फॉरेस्ट का एरिया बड़ा सा है, इसको भी पार करते हुए ये आपका एंडिंग पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। एक रोड तो उसने ये देखा कि जहाँ पर रोड है फॉरेस्ट है। अब दोस्तों किसी भी लाइन को बनने के लिए ये अलग डिपार्टमेंट का है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, तो इनसे अलग अलग अप्रूवल लेने रहते हैं। कोशिश करता है सर्वेयर कि इन चीज़ों से भी बचा जा सके, ठीक है दोस्तों। एक तो उसने ये रूट देखा, उसके बाद उसने इधर से शुरू किया, चलो भाई इधर से फॉरेस्ट है रोड है, हम लोग इधर से निकाल लेते हैं लाइन को। यहाँ तक गया तक क्या देखा कि ऑलरेडी एक लंबी सी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, इस ट्रांसमिशन लाइन को पार करने के लिए भी अप्रूवल लेना पड़ता है जिनका लाइन ये पहले से बना हुआ है। उसके बाद फिर इसको और आगे गया तो कुछ नहीं है, एकदम क्लियर रूट है, उसमें मिल गया एंडिंग पॉइंट तक पहुँच गया, और देखा साइड में घर बना हुआ, घर से बहुत दूर था। सर्वेयर ने क्या किया, एक तीसरा रूट बनाया जो आपका ये इधर से होकर के इधर से, इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई फॉरेस्ट है ना कोई घर मकान लाइन कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रूट नंबर 1, ये हो गया मेरा रूट नंबर 2 और ये हो गया मेरा रूट नंबर 3। अब दोस्तों इन तीनों रूटों की कंपेयर की जाएगी,
ये रूट देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, आर ओ डब्ल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जा कर के लाइन बनेगी। इधर रूट नंबर टू इससे थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिर्फ एक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी ट्रांसमिशन लाइन का है, इनका अप्रूवल लेंगे और सीधे आपको लाइन बन जाएगी। तीसरा रूट है जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, किसी का कोई अप्रूवल जरूरत नहीं है लेकिन लाइन लेंथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ टावर्स बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही दो या तीन रूट बना करके हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं, तो क्लाइंट को भी पता है कि यहाँ से जाएंगे तो डिले होगा, इनसे अप्रूवल, इनसे अप्रूवल, इधर से जाऊँगा तीन नंबर से तो मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जहाँ मेरा काम हो रहा होगा 50 टावर में तो यहाँ पर 60 टावर लगाने पड़ जाएंगे, 70 टावर लगाने पड़ जाएंगे। तो फाइनली मेरे हिसाब से इस सिनेरियो को देखते हुए रूट नंबर टू बेस्ट है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइन लेंथ कम है। इसी तरीके से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट रूट जो कि पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल सर्वे कैसे करते हैं, डिटेल सर्वे के अनुसार प्रोफाइल टावर शेड्यूल कैसे बनता है और चेक सर्वे का मुख्य क्या काम है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।